वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ गगन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक के थ्रू कैसे आप अपना जो वीडियो है, अपना कंटेंट जो है, वो आप उसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आपने कुछ ऐसी वीडियो, आपने कुछ ऐसा वेबसाइट ज़रूर देखा होगा जिसके ऊपर स्पॉन्सरशिप लिखा आता है फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक में जिस भी वीडियो के आगे, जिस भी वीडियो के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सरशिप लिखा आता है, तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो फेसबुक से उसे एडवर्टाइज़ करवाते हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपने कोई वीडियो बनाया है, आप कोई यूट्यूब का लिंक जो है वो फेसबुक पे शेयर करने के बाद भी उसे एडवर्टाइज़ करवा सकते हैं, या डायरेक्टली किसी वीडियो को फेसबुक पे पब्लिश कर दिया उसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेसबुक के थ्रू हो सकती हैं। इसके लिए फेसबुक आपसे मिनिमम 40 रुपये पे आपसे लेगा, और उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आप जितना चाहें आप उसे एडवर्टाइज़ करवा सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक से एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम जाते हैं फेसबुक के पेज मैनेजर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। पेज एप्लीकेशन के अंदर चले गए हैं, ये ओपन हो चुका है। तो ये मेरा पेज है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पेज को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पेज पर ज़्यादा लोग आएँ, इसे लाइक करें। अभी मेरे पेज पर सिर्फ 297 लाइक्स हैं, ठीक है। मैं इसे प्रमोट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर पोस्ट, फोटो, इवेंट और प्रमोट की ऑप्शन है। मैं प्रमोट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रमोट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रही हैं। पहली ऑप्शन गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, कि आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट पर लोग विजिट करें। दूसरी ऑप्शन कि आप अपने पेज को प्रमोट करना चाहते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज बूस्ट योर पोस्ट, कि जो भी आप कंटेंट शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, आप उस कंटेंट को शेयर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने पेज को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है। जैसे ऑडियंस, मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लोकेशन डाल लेता हूँ। ये ऑडियंस नेम आप जो मर्जी लिख दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियंस नेम, ठीक है, किस तरह की ऑडियंस है आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप किस जगह पर दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये चंडीगढ़ में दिखे, ठीक है। तो ये देखें, मैंने चंडीगढ़ टाइप कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ ये पंजाब में आए, तो यहाँ पर पंजाब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप किस एज को दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 20 साल से लेकर ये 40 साल, ठीक है। इसके बाद ऑल कर देता हूँ। ऑल करता हूँ तो मैन एंड वुमेन दोनों को दिखाया जाएगा। अगर मैं मैन करता हूँ तो सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ लोग मैंस को दिखाई जाएगी। तो मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ। ऑल करने के बाद सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब देखें, यहाँ पर इनका बजट लिखा हुआ है कि अगर 71 रुपीज़ पे करता हूँ तो 246 लोगों से 1100 लोगों तक एक दिन में ये रीच करेगा। तो मिनिमम आप यहाँ पर 40 रुपये में जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन मैं यहाँ पर एक दिन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐड मनी टू अकाउंट में जाकर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम से कर सकते हैं। और मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 80 रुपये पड़े हैं, तो मैं यहाँ से इसे प्रमोट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ प्रमोट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर ये जो है वो सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको बूस्ट करना चाहता हूँ, मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वेबसाइट पर विज़िट करें। तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 528 से 2800 लोगों तक, अगर मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ कर देता हूँ, तो देखिए ये उसी हिसाब से आपका ये दिखाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो कर सकते हैं। ये जैसे एक वीडियो मैंने शेयर किया था बोहेमिया का, अब मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी ऐड जो है वो आप लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है।